सब्सक्राइब करें अनीता ट्यूटोरियल क्लासेस को। सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आज मैं वीडियो में आपको अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ आपको कटिंग ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर ज़्यादा लंबी में ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता। तो कटिंग हम फर्स्ट वीडियो में डालेंगे और स्टिचिंग इसकी हम दूसरी वीडियो में डालेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट को जान लें। जो हम कुर्ती बना रहे हैं इसकी फुल लेंथ हम यहाँ पे 42 इंच रखेंगे, जिसमें हमारा चेस्ट रहेगा 36 इंच, कमर इसकी हमारी 34 इंच रहेगी। इस मेजरमेंट से हम इस कुर्ती को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे। इस तरीके से मैंने कपड़े को खोल लिया है और जिधर हमारी चौड़ाई है उधर की साइड ही हमने इसे डबल में फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। फिर हम इसे इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब हमारी चेस्ट 36 है, 4th भाग हम 9 रखेंगे। 9 से 2 इंच हम या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। मैं यहाँ पर 11 ले रही हूँ और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने 4 फोल्ड करके ये चोली का पार्ट निकाल लिया है। ये हमारा कुर्ती का टॉप भाग रहेगा। अब हम सबसे पहले शोल्डर मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर में यहाँ पर 7 इंच लगा रही हूँ। आर्म होल भी हम 7 इंच लगाएंगे। लाइन को सीधी कर लेंगे। अब हम सीने की नाप लगाएंगे। तो सीना हमारे यहाँ पे 36 इंच है, 4th भाग 9 हो जाता है। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा 1.5 से 2 मार्जिन रह जाएगा। अब हम कमर की नाप लगाएंगे। तो 34 हमारी कमर है। 34 का 4th भाग 8.5 होता है और 8.5 पे हम पॉइंट लगाएंगे, प्लस 1 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और ये मार्जिन के लिए। अब नीचे से हम 1 इंची पर एक पॉइंट लगाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप देने से कमर की फिटिंग अच्छी बैठती है और जो कॉर्नर हमारे नीचे की साइड लटक जाते हैं नहीं लटकेंगे। इसके बाद आर्म होल गुलाई करेंगे। जो भी आर्म होल की लेंथ है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। अब 1/2 इंची हम फ्रंट में देंगे। इस तरीके से हम मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर देंगे। नेक कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, जब हम ऊपर से दोनों जॉइंटों को खोलेंगे उसके बाद में नेक हम अलग अलग से कटिंग करेंगे। इसमें मैं बैक में दूसरा नेक बनाऊंगी और फ्रंट में दूसरा नेक बनाऊंगी, इसलिए नेक कटिंग बाद में करेंगे। पहले जैसे जैसे हमने मार्किंग की हुई है वहाँ से हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर से शोल्डर कटिंग खोल लेंगे। इसके बाद में हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे, फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्म होल कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट नेक कट करेंगे। तो नेक की हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच, लंबाई यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ, राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। हम 1/2 इंची की शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमारी फ्रंट भाग की कटिंग कट के तैयार हो गई है। अब हम बैक पार्ट का नेक काटेंगे। चौड़ाई में यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ, 2.5 इंची मैंने इसकी लंबाई रखी है, राउंड शेप दे देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नेक की कटिंग करने के बाद में हम इस पर पत्ती वाली डिजाइन देंगे। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 7.5 इंची रखी है, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारे टॉप भाग की कटिंग कंप्लीट हुई। अब जो हमने टॉप भाग निकाला था उसकी साइड से जो कपड़ा बचा है इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। जितनी भी हमारी आर्म होल है उससे 2 इंची एक्स्ट्रा हम चौड़ाई में कपड़ा ले लेंगे। तो आर्म होल यहाँ पे मैंने 7 इंच रखा था, तो हमारा 9 इंची आ रहा है। इस तरीके से मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ हमने रखी है 16 इंची में। अब हम ऊपर की ओर से जिधर हमारी ओपन साइड है वहाँ से हम 3 इंची पर मार्क लगाएंगे और आर्म होल शेप दे देंगे। आर्म होल शेप दे देंगे। अब हम नीचे मोहरी की मार्क लगाएंगे। तो मोहरी यहाँ पर हमारी 10 इंच है, 5 होता है, 5 पर हम मार्क लगाएंगे।
एक इंची हम मार्जिन का ले लेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। जैसे हमने मार्किंग की है वैसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। आधा इंची की हम फ्रंट कटिंग मार्क लगाएंगे। दोनों स्लीव्स को खोल लेंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट कटिंग मार्क लगाया वहां से हम कटिंग कर देंगे। और हमारी इस तरीके से स्लीव्स कट के तैयार हो गई है। यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव्स कट के तैयार हो गई है। अब हम नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। जो भी हमारा कपड़ा बचा है उसे हम डबल में फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से कॉर्नर को पकड़ के इसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। ये हमने इसे ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है। तो इसके लिए हम टॉप भाग को लेंगे और जिधर हमारी फोल्डेड साइड है उधर ही फोल्डेड साइड हम मिलाएंगे। इसे बराबर में सेट कर लेंगे और कमर का मार्क लगाएंगे। इस तरह से अब हम लेंथ मार्क लगाएंगे। अब हम घेरे की नाप लगाएंगे। तो मेरी घेरे की नाप यहाँ पर मैंने 30 इंची में ली है। मैंने यहाँ पर घेरे में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से हम टेप को घुमाते जाएंगे और 30 इंच पर मार्क लगाते जाएंगे। इस तरीके से मैंने 30 इंच पर ही पॉइंट लगा दिए। अब सभी पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम कमर की कटिंग करेंगे, अब बॉटम पार्ट की करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई है। हमारे दो पार्ट्स छोटे आते हैं इस तरीके से। तो जो कपड़ा हमारा बचा है उसमें हम इसे इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और इस वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से पूरा कर लेंगे। मार्क करते जाएंगे। इसे हम मार्क कर लेंगे बराबर से और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा इसमें बराबर आ गया है कट के। यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर देंगे। अभी हमने आपको यहाँ पर इस पट्टी पर पिनअप लगा के बताऊंगी। इसे हम इस पर पिन लगा लेंगे। और इन जॉइंटों को जोड़ लेंगे। दूसरी वाली भी हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और इनको जोड़ लेंगे। इस तरीके से ये हमारा जॉइंट जुड़ जाएगा। मैं आपको इसका घेरा खोल के बताती हूँ। इस तरीके से ये हमारा घेरा आएगा। देखिए इस तरीके से मेरी अम्ब्रेला कुर्ती कट के तैयार हो गई है। इस वीडियो को हम यहाँ कटिंग तक ही रखेंगे। इसकी स्टिचिंग मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।